हिंदू धर्म में कई रीति रिवाज और परंपराएं हैं जिनका पालन किया जाता है और ये रिवाज कई सालों से चले आ रहे हैं। इनमें ऐसी कई बातें हैं जिनका जिक्र शास्त्रों में है, लेकिन दोस्तों कई लोग इन रीति रिवाजों को तो जानते हैं लेकिन वे इसके पीछे का कारण नहीं जानते हैं। बड़े बुजुर्ग हमेशा रात में नाखून और बाल काटने, झाड़ू लगाने और कई चीजों को करने से रोकते हैं, लेकिन इन्हें ना करने का कारण नहीं जानते। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इसकी जानकारी देंगे। सबसे पहले जानते हैं वैज्ञानिक कारण। इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो रात में बाल ना काटने का कारण ये है कि रात्रि में बाल इधर उधर उड़ जाते हैं। कई बार खाने में बाल आने की आशंका रहती है, इससे तबीयत खराब होने का डर बना रहता है। इसके अलावा बालों से गंदगी और बैक्टीरिया फैलने का डर रहता है, इसलिए रात के समय बाल काटना वर्जित होता है। अब बात करते हैं धार्मिक कारण की। हिंदू धर्म में सूर्योदय और सूर्यास्त का बहुत महत्व दिया जाता है। दिन का समय किसी भी काम के लिए अनुकूल माना जाता है। सूर्यास्त के बाद बाल या नाखून नहीं काटना एक पुरानी मान्यता है जिसे आज भी लोग मानते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार रात्रि के समय बाल काटना अशुभ माना जाता है। मान्यता है कि शाम के समय घर में देवी लक्ष्मी का वास होता है। महालक्ष्मी समृद्धि और धन का आशीर्वाद देने के लिए रात में घर पर रहती हैं, इसलिए रात्रि में बाल नहीं काटने की सलाह दी जाती है। शास्त्रों के अनुसार सूर्यास्त के बाद हमें कई काम करने से बचना चाहिए क्योंकि उस समय हम देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं और भारतीय पौराणिक कथाओं के अनुसार वो रात में हमारे घर में प्रवेश करती हैं और निवास करती हैं। धार्मिक मान्यताएं कहती हैं कि शाम के समय समस्त देवी देवता घर में प्रवेश करते हैं, इसलिए उस समय बाल काटना उनका अनादर जैसा होता है। शास्त्रों में इस बात का जिक्र किया गया है कि रात के समय बाल कटवाने से घर से लक्ष्मी दूर होने लगती है और घर में कलह होने के साथ आर्थिक हानि होती है। ऐसी किसी भी हानि से बचने के लिए हमें रात के समय बाल कटवाने से बचना चाहिए। चलिए दोस्तों अब बताते हैं आपको किस दिन बाल काटने चाहिए। बुधवार के दिन नाखून और बाल काटना शुभ माना गया है। इस दिन ऐसा करने से घर में बरकत बनी रहती है और धन प्राप्ति की भी संभावना रहती है, इसलिए बाल या नाखून कटवाने के लिए ये दिन सबसे बेहतर और उपयुक्त है। शास्त्रों के अनुसार शुक्रवार सौंदर्य का दिन माना जाता है। इस दिन नाखून या बाल कटवाना आपके लिए कई शुभ समाचार लेकर आ सकता है। इस दिन नाखून या बाल काटने से यश और धन में वृद्धि होती है, इसलिए आप विशेष रूप से इस दिन सजने सवरने का काम कर सकते हैं। कुंडली टीवी डेस्क से लता शर्मा की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।